प्यारे छात्रों अभिनंदन, मेरा नाम डॉक्टर कुमार पीगल और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ सबसे पहले करंट अफेयर्स 4 अगस्त 2018 की। देखिए इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आज हमने लिया है किस राज्य ने अपनी पहली व्यापार एवं निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है। आइए शुरुआत करते हैं इस करंट अफेयर्स की। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, डायरी लेके बैठ जाइए और ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको याद आ जाएगा। और सुबह होते ही आप इस वीडियो को देख लें और बिस्तर उठने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको ये सारी वीडियो याद हो जाए। और मैंने आपको कल की वीडियो में 3 अगस्त की वीडियो में पूछा था, बूझो तो जाने अपनी कार की नंबर प्लेट पर नेशनल एम्बलम कौन प्रयोग कर सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको आंसर बता देता हूं। मैं आपने कुछ ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, कार ऑफ प्रेसिडेंट, विजिटिंग हेड्स ऑफ फॉरेन स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के, राज्यसभा के, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट हाई कोर्ट, ये सब और कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह ये लगा सकते हैं नेशनल एम्बलम। तो अगला क्वेश्चन भी बूझो तो जाने का आज की वीडियो में हम लास्ट में पूछने वाले हैं। उसका कमेंट बॉक्स में आप लिख दें आंसर और लाइक का बटन जरूर दबाएं। और मैं चाहूंगा कि आप मुझे कम से कम 10,000 लाइक जरूर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इस वीडियो को बनाने का। और ये सबसे पहले वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और आपको मैं बता देता हूं अगस्त माह के जो दिवस पिछली वीडियो में मैं नहीं बता पाया आपको, 1 अगस्त को रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स डे मनाया जाता है। और यहां पे मैं आपको बता देता हूं मेरे जो चैनल है ए टू जेड के स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स, उसकी आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैंने जनवरी की, फरवरी की, सितंबर की, अक्टूबर की, सारे महीनों की अलग अलग डेज की, नेशनल डेज की, इंटरनेशनल डेज की ट्रिक्स दी हुई है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और अगस्त में अगस्त ऋषि के द्वारा मैंने आपको ये याद कराई थी, तो वहां से आप इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा और आपको ये पता लग जाएगा आप कैसे इसे याद कर सकते हैं। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया जाता है, ये भी जाके आप उस वीडियो में देख सकते हैं मैंने क्या ट्रिक आपको बताई थी। आइसक्रीम सैंडविच डे 2 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बियर डे 3 अगस्त को मनाया जाता है, जो कल गुजरा है इसे इंटरनेशनल बियर डे बोलते हैं। वाटरमेलन डे ये भी 3 अगस्त को मनाया जाता है। और आज 4 अगस्त है, 4 अगस्त को डोल डे मनाया जाता है। और मैंने इसे याद करने के लिए आपको बताई थी तीर ट्रिक। आप इस तीर ट्रिक को जाकर देख सकते हैं क्या तीर ट्रिक है, वीडियो में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप अगस्त माह के नेशनल और इंटरनेशनल डे को याद करने की ट्रिक देख लें। अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और वहां से आप ये सारे डे याद कर लें। जो भी महीना चलता है उस माह के दिवस अगर आप याद कर लेंगे इस ट्रिक से, तो आप हमेशा याद रहेंगे। आज का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, नीति आयोग ने 2 अगस्त 2018 को वैश्विक मोबिलिटी हैकथान मूव हैक का शुभारंभ किया। यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े हैकथान में से एक होगा। मूव हैक में 10 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ऑनलाइन में अंतिम रूप से संचालित किया जाएगा। तो ये कहां हुआ है, सिंगापुर में, नई दिल्ली में, सिंगापुर और नई दिल्ली में। तो जो इसका सही आंसर है वो सिंगापुर और नई दिल्ली दोनों, तो आप ये याद कर लीजिए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट यहां पे देखिए एक नीति आयोग आया हुआ है, तो मैं नीति आयोग के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। नीति आयोग क्या है, NITI, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इससे पहले क्या था, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं प्यारे छात्रों क्या है ये। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग का स्थान लिया है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। और इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, प्लानिंग कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर हमेशा इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन भी होते हैं। और इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है अर्थशास्त्री राजीव कुमार जी को। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा कि उपाध्यक्ष कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, सीईओ कौन है, ये अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में 2 अगस्त को किस जाति के लिए, तो ये याद रखिए ओबीसी के लिए आयोग को, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ, लोकसभा में 2/3 से अधिक बहुमत के साथ यह सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। और लगभग 400 से ज्यादा, 406 के करीब सदस्य यहां पे मौजूद थे जिन्होंने वोटिंग किया इसका। और यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है, 122वां है, 123वां है, 124वां है, 125वां है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है 123वां संविधान संशोधन विधेयक। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए, ये आपको रखा मिलेगा आगामी एग्जाम्स में, 123वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित कौन से लड़ाकू विमान ने, नौसेना प्रोटोटाइप ने 2 अगस्त 2018 को विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य,
तो याद कर लीजिएगा INS विक्रमादित्य पर डेक लैंडिंग परीक्षण के दौरान डेक से संपर्क बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही भारत लड़ाकू विमानों की डेक लैंडिंग कराने वालों में अमेरिका के बाद, यूरोप के बाद, रशिया और चीन के बाद चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। और ये किसी डेक पर यानी किसी नौसेना के विमानवाहक पोत पर यह जहाज उतारा जा सके, तो इन चार के बाद भारत पांचवें स्थान पर आया है पहली बार। और ये कौन सा विमान उतार कर देखा गया है, तो इसका आंसर है तेजस। ये एक स्वदेश निर्मित यान है और सुखोई सबसे बढ़िया यान माना जाता है भारत में। इसके बाद है तेजस, फिर MiG-29 और मिराज। इनके बारे में भी आप देख सकते हैं गूगल से। यह चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। दिसंबर 2009 में गोवा समुद्र स्तरीय उड़ान परीक्षण के दौरान तेजस ने 1350 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ान भरी थी। तो यह याद कर लीजिए, बिल्कुल साउंड की गति से भी तेज। इस प्रकार यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेश में निर्मित पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बना, जिसे भारत में बनाया गया, पूर्णतः इंडिजिनस यान इसको बोलते। ये कहां पे पहली बार हुआ, एक क्वेश्चन ये बनता है आपका। दूसरा बनता है कितनी स्पीड से बनाया गया, ये किस कंपनी ने बनाया है, और पहला सुपरसोनिक यान कौन सा है, और पहला स्वदेशी यान कौन सा। तो इससे आपके पांच क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़े तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर याद कर लें। निम्नलिखित में से किसने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज की, इन चारों में से नाम बताना है। रॉबर्ट मुकाबे काफी समय तक वहां के राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन इस बार जो जीत दर्ज की है वो एमरसन मन्ना गांगवा ने की है। तो इसको याद कर लीजिए, एमरसन मन्ना गांगवा। महाराष्ट्र ने हाल ही में पेयजल की कमी वाले इलाकों में परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी, 7, 8, 10, 20 कितने करोड़ रुपए की दी। ये कोंकण महाराष्ट्र वगैरह के जहां जल की कमी है वहां को पेयजल की उपलब्धि कराएगा। तो इसका आंसर है 7000 करोड़ रुपए। और यहां पे जैसे महाराष्ट्र आया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं, आप महाराष्ट्र चाहती आपको क्या काम करना है, तीन काम करने। महाराष्ट्र की राजधानी याद करनी है मुंबई, और देखिये यहाँ पे मुंबई और ये मुंबारा एक बंदा, लेकिन आपको ये क्या है, ये एक ट्रिक है जो ट्रिक मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में दी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाके इसे मेमोरी ट्रिक के द्वारा विदिन 10 मिनट्स, आई गारंटी यू आप 10 मिनट में सारी की सारी कैपिटल मुजबानी याद कर लेंगे और कभी दोबारा उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 29 स्टेट की कैपिटल और 7 यूनियन टेरिटरी की कैपिटल याद हो जाएंगे। फिर आता है जो आप महाराष्ट्र नाम आते ही जो आपको याद करना है, वो गवर्नर याद करना है, और आपको याद भी होगा गवर्नर CV राव। अगर वो आप मेरी वीडियो देख चुके हैं तो आप इजीली इसको बता सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे इसकी ट्रिक दी हुई है। तो तीन वीडियो आपको मिलेंगी जिसमें कैपिटल मिलेंगी, CM मिलेंगे और गवर्नर मिलेंगे। तो तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा जरूर, आज जाते ही सबसे पहले इस वीडियो को देखने बाद उन वीडियो को भी जरूर देख लें। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो आप 3-3 घंटे के अंतराल पर देखना, क्योंकि कोई भी मेमोरी एकदम से आप अपने माइंड में नहीं घुसा सकते। तो मेमोरी ट्रैक का यही फंडा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन है, श्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के हैं, ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है। जैसे किसी क्वेश्चन में किसी स्टेट का नाम आए तो आप उसकी तीन चीजें जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपने पहले व्यापार एवं निर्यात नीति को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर सरकार ने दी है ये मंजूरी व्यापार और निर्यात नीति को। और जम्मू कश्मीर नाम आते ही आपको जम्मू कश्मीर की तीन चीजें याद कर लेनी है। तीन चीजें मेरे साथ दोहरा लेनी है, राजधानी, गवर्नर और CM। और इसकी ट्रिक मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और वो मैंने मेमोरी ट्रिक से दिया और वो आपको चुटकी बजाते ही याद हो जानी है। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, श्रीनगर समर में होती है और जम्मू विंटर में होती है। किस तरह मैंने ट्रिक दिया उसमें आप जाके देख सकते हैं। गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं वो श्री NN वोरा हैं। और ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की CM महबूबा मुफ्ती सईद नहीं है, उनको हटा करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बच्चे गलत कराते हैं और ये क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को क्या पता है अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने याद क्या होगा, महबूबा मुफ्ती सईद। तो आपको इस करंट अफेयर्स के टच में भी रहना है। गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है माई गवर्नमेंट, उससे भी जाके आप पूरी की पूरी गवर्नमेंट, सारे लीडर्स, सारे मिनिस्टर्स, सारे चीफ मिनिस्टर्स, सारे गवर्नर याद कर सकते हैं। तो वहां से जाके आप इनको वेरीफाई करते रख रहे हैं, हर 15वें दिन आपको ये रिवाइज हो जाने चाहिए। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए मुख्यमंत्री युवा नेस्तम योजना लॉन्च की है, इसमें 1000 रुपए बेरोजगार युवकों को मिला करेंगे, और ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं दो स्टेट पहले भी आ चुके हैं, तो आंध्र प्रदेश आते ही आपको तीन काम करने हैं, आंध्र प्रदेश की कैपिटल, आंध्र प्रदेश के गवर्नर और आंध्र प्रदेश के CM आपको याद कर लेने हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं ESL नरसिम्हन, आंध्र प्रदेश के जो CM हैं वो नराचंद बाबू नायडू,
इसे एनसी चंद्रबाबू नायडू भी बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद जो 2 जून 2014 से लेकर 2 जून 2024 तक ये राजधानी रहेगी। 2 जून 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से बदलकर अमरावती कर दी जाएगी। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में पूछा जाना है, तो आप इसको जो मैंने ट्रिक दिया उससे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, निम्न में से किस निजी क्षेत्र का बैंक 2 अगस्त 2018 को यस बैंक को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश का 7वां सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है। और आपको ये बताना, देखिए मैंने चार ऑप्शन लिए हैं। इंडियन बैंक के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, इंडियन बैंक एनपीए में सबसे बढ़िया बैंक माना जा रहा है। आईसीआईसी बैंक के बारे में बताया था, उसकी जो सीईओ है चंदा कोचर, उनके खिलाफ अमेरिका में सिक्योरिटी एक्सचेंज ने कुछ एलिगेशन लगाए थे कि उन्होंने वीडियो कॉन को लोन दिया है। तो देखिए यहां से आपको दो क्वेश्चन कल वाले याद हो गए होंगे। अब यहां पे दो ऑप्शन बचते हैं, यस बैंक और बंधन बैंक। और मैंने यहां दोनों ऑप्शन क्यों लिए हैं इसके आंसर से आपको पता लग जाएगा। इसका आंसर है बंधन बैंक। और बंधन बैंक निजी क्षेत्र के पूंजीकरण के लिहाज से देश का 7वां मूल्यवान बैंक बना यस बैंक को पछाड़कर, और यस बैंक अब 8वें नंबर पर आ गया। तो इसीलिए आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये ऑप्शन क्यों लिए, क्योंकि मैं जब भी कोई ऑप्शन लेता हूं तो इस तरह से लेता हूं ताकि आपको पिछले क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए और उनके बारे में अच्छी तरह से पता लग जाए। तो प्यारे छात्रों, जब अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें और बूझो तो जाने क्वेश्चन का सवाल जरूर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब ढूंढते हैं गूगल से ढूंढते हैं तो आप उसके बारे में कई सारी नॉलेज होती है। और ए टू जेड के स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के एम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिश एक बार ठुकराने के बाद मंजूर कर ली है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड हाई कोर्ट। और उत्तराखंड आती है, आपको तीन बातें करनी है, उत्तराखंड की कैपिटल याद करनी है जो कि देहरादून है, और उत्तराखंड के गवर्नर याद करने हैं डॉक्टर कृष्णकांत पॉल हैं, और उत्तराखंड के सीएम याद करने हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और इनकी टेक्निक्स, मेमोरी टेक्निक्स, स्मार्ट ट्रिक्स मैं आपको दे चुका हूं, वीडियो लिस्ट में जाके आप इनको याद कर लीजिए। मैं बार बार बता देता हूं, ये तीनों वीडियो आप देख के इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और आज का हमारा टैग कि आप मुझे 20,000 लाइक जरूर दें। और ये हमारे किसी छात्र ने कहा था कि सर आप ये कहा करें कि लाइक वाला एक टारगेट रखें, तो मेरा टारगेट जरूर अचीव आप कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक ढांचे में सुधार के लिए किस प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये किए कोर्ट मैनेजर की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए, तो इसका आंसर है कोर्ट मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान, आपने इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, भारत के कई लोगों को इन्होंने बुलाया था, लेकिन यहां पे सवाल है भारत के किस राजनेता को शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने बुलाया। तो यह चार ऑप्शन है, नवजोत सिंह सिद्धू, नरेंद्र मोदी, कपिल देव, राहुल गांधी। और आप 100% इसका आंसर नरेंद्र मोदी लगा देंगे, लेकिन ये गलत है प्यारे छात्रों, नरेंद्र मोदी नहीं है। और राहुल गांधी को प्रोटोकॉल में बुलाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि पीएम अपोजिशन पार्टी के किसी बंदे को नहीं बुलाता हूं, प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज बुलाने को तो बुला ही सकते हैं। और ऐसा ही इमरान खान ने किया, अब यहां दो क्रिकेटर बचते हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर के अलावा राजनेता भी हैं। तो यही आंसर है, राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू को इमरान खान ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। तो ये आप ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 1,000 अरब डॉलर हो गया, जो कई देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। और यहां पर यह बोला गया है यह पाकिस्तान की जीडीपी के कितने गुना है, तो पाकिस्तान की जीडीपी के 3 गुना है। और यहाँ पे आप एक फोटो देख रहे हैं, ये है संस्थापक एप्पल कंपनी के, इनका नाम है स्टीव जॉब्स। तो ये याद कर लीजिए, स्टीव जॉब्स, इनकी डेथ हो गई थी कम उम्र में, और इन्होंने जो सबसे पहला आईफोन लॉन्च किया था तो वो कौन सा था। तो प्यारे छात्रों, यहाँ ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, सबसे पहला एप्पल कंपनी ने जो आईफोन निकाला था वो था आईफोन 4, और ये 2010 में इन्होंने निकाला था, 2010 में, आप इसे याद कर लीजिए, 2010 में ये फोन सबसे पहले एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया था। और अब तो एप्पल 8 और एप्पल एक्स भी आ चुका है। प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी अकादमी दिल्ली ने 2017-18 के लिए सर्वोच्च सलाहकार सम्मान प्रदान किया है। और ये किया जावेद अख्तर को सर्वोच्च सलाहकार सम्मान, और ये आपको पता ही होगा राइटर और लेखक है। नेक्स्ट है, बूझो तो जाने का हमारा आज का क्वेश्चन, 100 रुपए के करेंसी नोट्स पर, निकाल लीजिए अपनी जेब से आप 100 रुपए का नोट, और अभी चेक कीजिए इस पर कितनी भाषाओं में 100 लिखा होता है। और मुझे उम्मीद है
कि 90% आप इसका आंसर गलत बताएंगे। लेकिन कोशिश कीजिए, ऐसा क्यों होगा आपके साथ मैं आपको कल बताऊंगा कि 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में 100 लिखा है, 100। तो ये 5 अगस्त की वीडियो में मैं आपको दूंगा। प्यारे छात्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट में जाके आप कैपिटल्स, गवर्नर्स और सीएम और डेज याद कर सकते हैं। सारी ट्रिक मैंने आपको वहां दी है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी है A2z करियर स्मार्ट ट्रिक्स विद मेमोरी टेक्निक्स। मेमोरी टेक्निक्स के साथ ये ट्रिक्स हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर लव एंड अफेक्शन। सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल A2z करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स। And God bless you all the success in your competitive exams and one day you will get government job surely. I am very thankful to you for listening me patiently and best of luck for your coming exam SSC Bank Railway और रेलवे ग्रुप के जो एग्जाम ALP और टेक्नीशियन के शुरू हो रहे हैं, 9 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और ये पूरे महीने चलेंगे। तो आप उसके लिए भी मैंने एक रेलवे जीके ट्रिक्स बनाई है, उसको भी देख लीजिए। एंड प्यारे छात्रों, थैंक यू वेरी मच।